ये कहानी जंगल की है, जहाँ कई सारे पक्षियाँ जीवन बसर कर रहे थे। उसी जंगल में एक गरीब चिड़िया अपने टूटे फूटे घोंसले में जीवन यापन कर रही थी। इन दिनों जंगल में बरसात का मौसम था और देखते ही देखते बरसात शुरू ही हो गई। अरे बाप रे, आसमान में आज काले बादल मंडरा रहे हैं। लगता है आज जोरों की बारिश होने वाली है। अब मैं क्या करूं? कहीं बरसात ज़्यादा हो गई तो मेरी घोंसले तो पूरा टूट जाएगी। इससे पहले कि बारिश शुरू हो जाए, मुझे अपना ठिकाना कहीं और लगाना होगा। फिर टुनटुनी उड़कर हर पक्षी के घर जाती है और मदद की गुहार लगाती है, पर कोई पक्षी अपने घोंसले में पनाह नहीं देता। आखिरकार वो थककर टुनटुनी अपने घोंसले में वापस आ जाती। तभी उसका सारा घोंसला टूटकर नीचे गिर जाता है और टुनटुनी जाकर पेड़ की डाली में बैठकर पानी में भीग रही होती है। अरे कितनी जोर की बारिश हो रही है। अरे बादलों, आज ही सारे पानी की बारिश करोगे? अरे कोई है क्या मेरी सहायता करने को? बारिश का पानी तेजी से आ रहा था। टुनटुनी पूरा भीग गई थी। जंगल में कोई भी पक्षी बरसात में उसके मदद करने को कोई नहीं आया। तभी बादलों आकर टुनटुनी के पास आता है। अरे बाप रे, ये बादल तो मेरे पास ही आ गया। चिड़िया बहन, मुझसे डरने की जरूरत नहीं है। मैं आपके नुकसान नहीं करूंगा। मैं जब से आसमान में उड़ रहा हूँ, मैंने नजर किया आप पे, देखा आप अकेली ही पेड़ पर बैठकर बरसात के पानी में भीग रही थी। पर ऐसा क्यों चिड़िया बहन कि आपका कोई ठिकाना नहीं है? वो क्या है ना बादल भाई, इस पानी में मेरा घोंसला टूटकर नीचे गिर गया। अब सर छुपाने के लिए ना ही कोई घोंसला है और ना ही छत। अरे चिड़िया बहन, अगर आप बरसात के पानी में ऐसे ही भीगती रही तो बीमार हो जाओगी। इधर तो बहुत सारे पक्षी के घोंसले हैं, आप उसमें से एक में चले जाइए ना। मैंने इधर के हर एक पक्षी से सहायता मांगी, पर किसी ने मेरी बात नहीं मानी। पर हमने तो सुना था पक्षियों के प्रति बेहद प्रेम लगाव रहता है, पर आपको कोई पक्षी सहायता नहीं करता है, ये कैसे हो सकता है? बादल भाई, समय के साथ साथ हर चीज बदलती जाती है। चिड़िया बहन, आप मजबूत लकड़ियों से अपना घोंसला बना लीजिए, ताकि बरसात के पानी से कभी आपको तकलीफ ना उठाना पड़े। पहले इस जंगल में हर चीज मुफ्त में मिला करती थी, पर जब से दौर बदला है, हर पक्षी जंगल का इलाका अपने नाम कर रखा है। जहाँ मजबूत लकड़ियाँ हैं, वहाँ पक्षियों के डेरा डाला रखा है और मजबूत लकड़ियों भारी भरकम दामों में बेचते हैं। क्या जंगल में इतना बदलाव हो गया है, तो आप क्या करोगी चिड़िया बहन? आपका घोंसला बनाना तो बहुत मुश्किल है। बादल भाई, लगता है मेरे नसीब में ये सब लिखा होगा। बचपन से कोई सहारा नहीं मिला, ना ही किसी के हाथ थामा। अब ऐसे समय में निपटने की आदत से हो गई है। चिड़िया बहन, आपको ऐसे तकलीफ में देखकर मुझसे बहुत दर्द हो रहा है। आप एक काम करिए, मेरे ऊपर ही एक छोटा सा घोंसला बना लीजिए। क्या यह संभव है बादल भाई? जी बिल्कुल, इसलिए बहाना मुझे भी मिल जाएगा एक दोस्त का और बहुत मस्ती करेंगे। ये सब सुनकर टुनटुनी के मन में उमंग जाग जाती है और वो धीरे धीरे लकड़ियाँ बदल के ऊपर रख कर जैसे तैसे बना लेती है अपना घोंसला और वही बसेरा करती है। बादल टुनटुनी को लेकर आसमान में उड़ने लगता है। चिड़िया बहन, कैसा लग रहा है? सच कहती हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है। आपको बहुत शुक्रिया जो आपने मेरे लिए सब इतना कुछ किया।